डेब्यूट पे, जतिन ने मुझे ब्यूटी को सरप्राइज दिया है। इस ब्रेड पे लगाऊंगी मक्खन, जैसे कि मैं जतिन को मक्खन लगाती हूँ जब मुझे कोई चीज चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंगर अटैक बाय दीपाली रावत। तो आज है हमारा उदयपुर में डे टू और क्या टाइमिंग हो रही है, कि टाइमिंग क्या हो रहा है, 8:15 बज रहे हैं। अब टाइम हो गया हमारे ब्रेकफास्ट का, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। होटल में बस एक ही अच्छा होता है कि जो ब्रेकफास्ट बुफे लगता है उसमें डिजर्ट, मेरा तो फेवरेट है डिजर्ट, तो या उसी पे फोकस रहेगा। अभी से नहीं पालते हैं उम्मीद, जाके देखते हैं क्या होने वाला है। चलो चलते हैं, चलते हैं। ये आ गया जतिन का फेवरेट सेक्शन, खाने देना, खा लेना। वही थोड़ा हेल्दी खाते हैं, फर्स्ट इनिंग में मुझे हेल्दी खाना चाहिए, सेकंड इनिंग में मैंने डॉग। ये है मिस्टर हटवाल का ब्रेकफास्ट और ये है मेरा। इस ब्रेड पे लगाऊंगी मक्खन, जैसे कि मैं जतिन को मक्खन लगाती हूँ जब मुझे कोई चीज चाहिए होती है। बड़े ही प्यार इन लोगों ने हमको नॉर्मल वाटर सर्व किया था, फिर हमने इनसे पूछा तो आज हमारी हेल्दी ब्रेड देखेंगे डिटॉक्स वाटर सर्व, इसलिए मेरे को ये वाटर। यार मेरा तो हो गया, अब आई एम डन, कुछ बचा हमारे पास सब खाने का, डिजर्ट है ना, अभी जगह है थोड़ी, खाएंगे थोड़ी जगह। तो ये आ गया है हमारा डेजर्ट और साथ में लिए ये हॉट कॉफी। उम्मीदों पे पानी फिर गया। हाँ, मुझे क्रोइसेंट नहीं मिला। क्रोइसेंट? इट्स क्रोसों। जैसे कि आप सभी को पता है मैं डाइट हूँ तो मैं शुगर फ्री का यूज़ करी हूँ। इसके साथ में ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने ये थोड़े से ये डाइटिंग भी चल रही है। ये मत लगती बनाना डाइट। तो ब्रेकफास्ट डन, अब जाते हैं रूम में, रेडी होते हैं और देखते हैं कहाँ चलती है सवारी। कैसा लगा ब्रेकफास्ट? हेलो गाइस, तो जल्दी से एक क्विक होम टूर, सॉरी रूम टूर कर लेते हैं, होम में भी टाइम है। एंडी कहते हैं यहाँ पे आपका आयरन सेक्शन, जिसमें मैंने ये टेबल दे रखा है, ये है मिरर अपनी सुंदरता देखने के लिए, लगेज रख सकते हैं, लिपा पोती रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा सा कबर्ड बाथरूम है, अपने आप कपड़े वगैरह यहाँ पे कुछ रख सकते हैं और कुछ ज़्यादा ही जरूरी सामान है, तो एक जूरी भी है इसके से रख सकते हैं। वॉशरूम दिखाते हैं, ये है वॉशरूम बेसिक्स। ये यहाँ पे पॉट जिसमें आप अपने कर्मों का, इतना नहीं दिखाना है मैंने।
सबसे अच्छी बाथरूम की मुझे लगी है ये। ज्यादा रोमांटिक मूड में हो तो आप इसको समझे। यहाँ पे है कॉफी सेक्शन जो कि हम पी चुके हैं क्योंकि हमको यहाँ पे आए हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। ये है बेड जो कि हमने सिर्फ आपके लिए वापस से सेट किया है ताकि हम एक क्लीन रूम टूर आपको दे सकें। यहाँ पे है टीवी यूनिट और ये हमारी चप्पलों की चुनकी को इग्नोर करें। यहाँ पर मैंने सेलिब्रेट किया था बर्थडे जो आप मेरे बर्थडे ब्लॉग में देख चुके होंगे। बर्थडे विशेष आती रहनी चाहिए, लेट हो गया तो जरूर। और ये है हमारा व्यू, देखिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, इसी विंडो है। ये है वर्किंग टेबल जहाँ पे आप बैठ के अपना काम कर सकते हैं। मेरे पास कोई काम नहीं होता है इसमें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इसे जल्दी से फॉलो कर लो। यहाँ पे आप तो बस यही था रूम, अच्छा लगा हो तो बताना। ठीक है, डन, नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। और यहाँ मैंने जतिन को कन्विंस किया अपने साथ एक डांस रील शूट करने के लिए। अगर आपको वीडियो देख के पता चल जाए कि हमने कौन से गाने पे शूट किया है तो कमेंट में मुझे बताइए, और अगर नहीं तो यूट्यूब शॉर्ट पे अपलोड किया है, वहाँ जाके जरूर देखिएगा। तो निकल चुके हैं हम अपने दूसरे स्टे के लिए, दूसरी जगह स्टे के लिए। देखते हैं वो जगह कैसी होगी, इंस्टाग्राम पर काफ़ी नाम सुना है, देखते हैं चल के कैसी रहेगी। लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते, इसके साथ जाना ही है, लगे जाना है, पैसा देना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी गंगोरगढ़ के आसपास आओ तो थोड़ा तुम्हें यह सब ना देख लेना, क्योंकि सेंस नहीं बनता 1 किलोमीटर के 100 रुपये देना। उदयपुर की गलियों में चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट डे, हॉस्टल मामा, अनस्पॉन्सर्ड है बट इंस्टाग्राम पे देखा था वाइब काफ़ी अच्छी लगी थी। तो हम उतर आए हैं यहाँ उदयपुर की पुरानी गलियों की सड़कों पर। लेकिन वो जो कैफे है वो यहाँ पर है, इस तरफ से जाना होगा। मैं रूम में पहुँचते ही अपने अपने बैग्स रखे और आ गए यहाँ लंच करने के लिए क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। और ये जो रेस्टोरेंट था वहाँ से पूरा लेक व्यू दिख रहा था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। हमारा ऑर्डर, हमने ऑर्डर किया है यहाँ पनीर टिक्का मसाला, और मेरे को ये बहुत प्यारा लगा इनका ये तरीका। हमें मिनरल वाटर लेना ज़रूरी पड़ गया क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल वाटर है ही नहीं। और लंच करने के बाद हम चले गए अपने रूम पे जहाँ हमने थोड़ा रेस्ट किया और कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, और फिर रेडी होके रात में निकल गए जहाँ पर जतिन ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया था। हम आए यहाँ ट्रिब्यूट पे
जतिन ने मुझे ब्यूटीफुल सा सरप्राइज दिया है, डिनर डे, सैटेलाइट डिनर डे। सो चेक करते हैं मेन्यू में, देखते हैं क्या अच्छा है या फिर उनकी रिकमेंडेशन क्या है यहाँ की, फिर ऑर्डर करें। ये मेरी गुआवा मैरी, ये मिस्टर अटवाल बैकग्राउंड में टॉस देते हैं। चिकन बास्केट जिसमें है फ्राइड चिकन, पोटैटो वेजेस और ये मौत। अब मेरे पास आई है ये गोभी, फिर से बोलो। ऑयल बहुत है। Take 52. 3 hours later. वो स्पार्कल कैंडल इतनी जल्दी बुझ गई थी तो मैंने सोचा ये नॉर्मल कैंडल जलाते हैं, बट मुझसे वो भी नहीं जली। तो यहाँ जो स्टाफ थे वो आए हेल्प के लिए, उन्होंने भी बेचारों ने बहुत ट्राई किया बट उनसे भी वो कैंडल नहीं जली। तो हमने सोचा चलो बिना कैंडल के ही केक को कट कर लेते हैं। और ये रहा हम दोनों का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन, यहाँ स्टाफ मेम्बर ने हमारी वीडियो जो है वो बनाई थी। वैसे तो रूम में जाके प्लान था सोने का, लेकिन रूम के पास में ये कंपाउंड घाट था जहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा था। तो थोड़ी देर हम यहाँ बैठ गए और उसके बाद ये देखिए हमारे रूम से नाइट व्यू जहाँ से पूरी पिछोला लेक दिखती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है नाइट में।